राणा सेंटर या मैयर में जितने काम हुए होंगे, हमारे कामों पर सांसद जी भूमि पूजन और शिलान्यास करके भाषण देके राजनीतिक नौटंकियां करते हैं, मैं बोलता नहीं, मौन रहता। मैं सभी डॉक्टर साहबों को, सभी लोगों को मैं एक निवेदन करूंगा, आप लोग निश्चिंत रहें। इस तरह के राक्षसों का विनाश करने के लिए मैं राजनीति में आया। जो इस तरह की राजनीति करते हैं, हम हमेशा मान सम्मान का ख्याल रखते हैं, कभी किसी मान सम्मान के खिलाफ कभी हम कोई शब्द भी नहीं बोलते। पर मैं भूमि पूजन, मैं लोकार्पण के लिए आया और कई बार लोकार्पण की बातें हुई और लोकार्पण आने पर अपने समय नगर पालिका अध्यक्ष जी को आमंत्रित किया। स्टाफ को बोला कि नगर पालिका अध्यक्ष जी को भी बुला लेना भैया। हर काम पर भूमि पूजन और लोकार्पण किस प्रोटोकॉल में है, सांसद जी मुझे बता दें। मैं मीडिया के सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, मैं चुनौती देता हूं कि सांसद जी के द्वारा किए गए मैयर में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं, मुझे खोज के ला के दीजिए, हम मैयर के सभी पत्रकारों का सम्मान करें। आज तक किए क्या ये? प्रदेश सरकार की योजनाएं आती है, आप टेढ़े मेढ़े होकर चल दे तो छाती फुलाते हो। कोई विधायक भूमि पूजन नहीं कर सकता, कोई लोकार्पण नहीं कर सकता। अरे कोई हम भारतीय जनता पार्टी के बोले, सत्ता के बोले, मान लो मैं विपक्ष का भी होता तो हमारा अधिकार है, हमारे प्रोटोकॉल में है। आप केंद्र की कोई योजनाओं को ला के बताओ, उसका भूमि पूजन करो, उसका लोकार्पण करो, तो मैं मानूंगी बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र है। सांसद चार बार से सांसद हो, एक सत्रह लोकसभा का कोई ऐसा काम बता दे। यदि कोई मेडिकल कॉलेज की बात करेगा तो मेडिकल कॉलेज शंकर लाल तिवारी की देन है,